हे गाइस, मैं हूँ सीमा और दावत चैनल पर आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज मैं जो आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ वो सबकी फेवरेट होगी। आज हम लोग बनाने वाले हैं आइसक्रीम पार्लर जैसी, मार्केट जैसी क्रीमी क्रीमी सॉफ्ट और डिलीशियस सी आइसक्रीम। जी हाँ, और बस 2 से 3 चीज़ों से ही ये आइसक्रीम बनती है। ना ही आपको बाहर का या मार्केट का बहुत सारा सामान लेके आना है, बस 2 से 3 चीज़ों से ही आइसक्रीम बनने वाली है। देख ही सकते हैं इसका टेक्स्चर, इसका कलर और टेस्ट भी इतनी बढ़िया है कि आप लोग देखते ही ज़रूर बनाएंगे। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, मस्ट ट्राई रेसिपी है। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर, और दावत चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और यहाँ पर हमने ली है 1 कप व्हिपिंग क्रीम, 1 कप यानी कि 200 ml। मेरा जो मेजरिंग कप है वो 200 ml का है, तो 200 ml मैंने यहाँ पर ली है व्हिपिंग क्रीम। जो हम लोग केक डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं वही क्रीम आपको लेनी है। ये अगर आपके पास नहीं है तो आप अमूल की जो टेट्रा पैक मिलते हैं फ्रेश क्रीम वाले, वो भी ले सकते हैं। 200 ml चिल्ड एकदम ठंडी वाली व्हिपिंग क्रीम हमने इस बाउल में डाल दी है। अब मैं इसे 4 से 5 मिनट तक लो टू मीडियम स्पीड पर बीटर से इस तरह से चला लेती हूँ या बीट कर लेती हूँ। हमें थोड़े से सॉफ्ट पिक्स होने तक इस क्रीम को बीट कर लेना है। देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर थोड़े से सॉफ्ट पिक्स बनना शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ पर इस स्टेज पर हम लोग बाकी की सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। ये जो आज की स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम होने वाली है ना गाइज, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। एकदम ईजीएस्ट मेथड मैंने आज आपके साथ शेयर किया है, बिल्कुल भी तामझाम इस रेसिपी में नहीं है। क्रीम इस तरह से तैयार होने के बाद हम लोग इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप कंडेंस मिल्क या मिल्क मेड। अमूल का जो रेडीमेड मिल्क मेड मिलता है वो मैंने यहाँ पर लिया है। अगर आप घर पर मिल्क मेड या ये कंडेंस मिल्क बनाना चाहते हैं तो इसकी रेसिपी भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये जो पैक मिलता है वही मैंने यहाँ पर 1/4 कप इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पर मैं इसमें डाल देती हूँ पिंक लिक्विड फूड कलर। 3 से 4 ड्रॉप्स बस आपको इसमें ऐड कर देने हैं। अब इसी के साथ में हम लोग इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप स्ट्रॉबेरी क्रश। अगर आपके पास फ्रेश स्ट्रॉबेरीज है तो आप उसे भी मिक्सी में ग्राइंड करके डाल सकते हैं। उसमें पानी ऐड नहीं करना है, बस 15 से 20 आपको स्ट्रॉबेरी लेनी है और उसे मिक्सी में अच्छी तरह से फाइन उसकी जो पेस्ट है या क्रश है उसे करके इसमें ऐड कर देना है। आज मैंने यहाँ पर ये माला का स्ट्रॉबेरी क्रश मिलता है जो हम लोग केक में यूज़ करते हैं, वही मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इसी के साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब स्ट्रॉबेरी सेंस। ये बिल्कुल फ्लेवर के लिए होता है। आज मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी क्रश यूज़ करके ये आइसक्रीम बनाई है, क्योंकि हर सीज़न में जो स्ट्रॉबेरीज़ है वो फ्रेश मार्केट में नहीं मिलती है, तो आप इस तरीके से क्रश यूज़ करके ये आइसक्रीम बना सकते हैं। इसके बाद बस 3 से 4 मिनट के लिए हम लोग इस तरह से इसे बीट कर लेंगे। हमें सिर्फ इसे मिक्स करना है, ओवर बीट ज़्यादा नहीं करना है। बस 2 से 3 मिनट तक इस तरह से बीट करने के बाद हमारा जो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का जो बेस है वो तैयार हो जाता है। देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रीमी आइसक्रीम इस तरह से तैयार होती है। आज की रेसिपी की खास बात यही है कि कम से कम सामान में हमने इसे बनाया है, क्योंकि आइसक्रीम्स की सारी चीज़ें घर में हर बार अवेलेबल नहीं होती है। तो चलिए, बेस हमारा यहाँ पर तैयार है। अब मैंने यहाँ पर प्लास्टिक का एक एयरटाइट कंटेनर लिया है। इस तरह से कोई भी बॉक्स या स्टील का, कांच का आप लोग ले सकते हैं। सिर्फ इसका जो ढक्कन है वो अच्छी तरह से बंद होने वाला या एयरटाइट होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ये सारा जो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का बेस है ये इसमें डाल देती हूँ इस तरह से। अब ऊपर का सरफेस है इसे हमें इस तरह से स्पैचुला की मदद से प्लेन करना है। देख सकते हैं बहुत सारी क्वांटिटी में हमारी यहाँ पर ये आइसक्रीम घर पर ही तैयार हो जाती है। अब इस बॉक्स की जो लिड है उसे हम लोग लगा देते हैं। इसके अंदर अगर आप चाहते हैं तो कोई भी प्लास्टिक की शीट या क्लीन रैप पेपर भी लगा सकते हैं। इससे आपकी जो आइसक्रीम है उसके ऊपर बिल्कुल भी बर्फ़ या आइस क्रिस्टल्स नहीं जमेंगे। लेकिन ये जो डब्बा है वो एकदम एयरटाइट है, इसीलिए मैं इसमें कोई भी प्लास्टिक की शीट या क्लीन रैप पेपर, फूड रैप पेपर नहीं डालूंगी। इसके बाद हम लोग इस बॉक्स को फ्रीजर में रख देंगे 12 से 14 घंटे के लिए, या रात भर भी आप लोग रख सकते हैं, तभी आइसक्रीम आपकी सेट होगी। और हाँ, फ्रिज का टेम्परेचर एकदम कूलेस्ट मोड पर आपका होना चाहिए, तभी ये आइसक्रीम अच्छी तरह से सेट हो जाती है। तो दूसरे दिन अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग, मैंने इस डब्बे को निकाल लिया है। देख सकते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से हमारी जो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है वो सेट हो चुकी है। और इसका टेक्स्चर, कलर भी आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है, एकदम बेबी पिंक जिसे कहते हैं ना, उस तरह का। और अच्छी तरह से ये सेट भी हुई है। चलिए इसके स्कूप्स मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ।
तो देख सकते हैं यहाँ पर जब हम लोग इसका स्कूप निकालते हैं ना, तो एकदम जैसे मार्केट से हम लोग जो फैमिली पैक वगैरह लाते हैं ना, उसी तरह से इसका टेक्सचर, इसका स्मूथनेस आता है और टेस्ट भी इतनी बढ़िया है कि आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करना और फिर मुझे बताना कि आपको ये आइसक्रीम कैसी बनी। एकदम जैसे मार्केट जैसी आइसक्रीम बनती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और एकदम कम सामान में, बस 2 से 3 चीज़ों से हमने इसे बनाया है। ना ही कॉर्नफ्लावर है, ना ही GMS पाउडर, ना ही CMC पाउडर, बस थोड़े से ही चीज़ों से इतनी बढ़िया सी आइसक्रीम घर पर ही तैयार हो जाती है। तो ज़रूर ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम इस समर सीज़न में ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और हाँ, बाकी की भी आइसक्रीम की रेसिपीज़ देखना बिल्कुल भी ना भूलिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स मैंने दिए हुए हैं। तो चलिए गाइज, मिलते हैं इसी तरह की एक नई सी वीडियो के साथ या नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।